हेलो गाइस, मैं हूँ अमृता और आज मैं A24 इस प्रोडक्शन हाउस की एक डार्क कॉमेडी हॉरर मूवी लेकर आई हूँ। A24 ये प्रोडक्शन अपने अलग कहानियों के लिए काफी फेमस है। कई बार तो इनकी हॉरर कहानियाँ बहुत ही अजीब ट्विस्टेड ऐसी होती हैं। मूवी की कहानी सिंपल होती है लेकिन एक अलग ही ट्विस्टेड में उसे बनाया गया होता है। इन मूवीज को आर्टिस्टिक व्यू से देखा जाता है। आज ऐसी ही कहानी लाई हूँ मैं, बाओ इज अफ्रेड। ये मूवी ट्रेजिक कॉमेडी है, यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी के साथ दिखाई गई है। कमजोर दिल वाले इस मूवी से दूर ही रहे क्योंकि ऐसे काफी अजीब से सीन है जो डिस्टर्बिंग और डिप्रेसिंग हो सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मिडिल एज्ड बाऊ को देखते हैं जो एंजाइटी की वजह से थेरेपी ले रहा है। वो डॉक्टर को बताता है कि वो काफी दिनों के बाद अपने मॉम के घर जा रहा है क्योंकि उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है। और उस सेशन में डॉक्टर जेरेमी को पता चलता है कि बाऊ को किसी बात की गिल्ट है, जिसके बाद वो बाऊ को एंजाइटी के लिए मेडिसिन देते हैं और वार्न करते हैं कि इसे स्ट्रिक्टली पानी के साथ ही लेना है। जिसके बाद बाऊ को हम घर पे देखते हैं। यहाँ पे वो एक अजीब से शहर में रहता था जहाँ पे काफी ज्यादा क्राइम होते थे और रास्ते पर काफी सारे पागल लोग रहते हैं। बाऊ जब रास्ते में था तभी वो अपने मॉम का वॉइस मैसेज सुनता है। बाऊ घर आने वाला है इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। अब अपने बिल्डिंग के पास आता है तब हम देखते हैं उसके घर के नीचे भी बहुत ज्यादा पागल लोग हैं जो उसे हमेशा मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। और वो किसी तरह बचते हुए अपने अपार्टमेंट में आता है। फिर वो घर जाके सोने की कोशिश करता है क्योंकि अगले दिन फ्लाइट थी। पर बाऊ का नेबर अजीब था और वो बार बार दरवाजे के नीचे से चीट डाल रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि म्यूजिक का आवाज कम करो, पर बाऊ कोई भी म्यूजिक नहीं चला रहा है। इसी वजह से उसे रात में सोने में भी देरी हो जाती है और सुबह अपने फ्लाइट के लिए लेट हो जाता है। इसीलिए वो भागा दौड़ी में रेडी होकर निकलता है। तभी उसे याद आता है कि वो कुछ भूल गया है और वो अपना बैग दरवाजे पे रख कर अंदर जाता है। सामान लेने के बाद जो बाहर आता है तो वहाँ उसका बैग और कीस नहीं होते, किसी ने वो चोरी कर लिए है। अब बाऊ डरने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था। अब वो अपने मॉम को कॉल करके बताता है कि उसकी बैग और कीज चोरी हो गई है और वो ऐसे ही घर खुला छोड़ के नहीं आ सकता। लेकिन मॉम को लगता है कि उसे घर ही नहीं आना है, इसीलिए वो कोई बहाना मार रहा है और वो बिना उससे बात किए फोन काट देती है। इससे हमें पता लगता है कि बाऊ के मॉम काफी ज्यादा इमोशनल मैनिपुलेटिव औरत है। इस इंसिडेंट से बाऊ को एंजाइटी होने लगती है, इसीलिए वो डॉक्टर ने दिए हुए पिल्स लेने जाता है पर घर में पानी ही नहीं आ रहा था। इसलिए बाऊ किसी तरह उन पागल लोगों से बचते हुए सामने वाले सुपरमार्केट में पानी की बोतल लेने जाता है। अब वो पेमेंट कर ही रहा था उसी वक्त वो देखता है कि रास्ते के सारे पागल लोग उसके घर में घुस जाते हैं। अब बाऊ जल्दी से अपने घर लौटता है लेकिन अब दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था, इसीलिए उस रात को उसे घर के बाहर ही सोना पड़ता है। अब अगली सुबह उनके जाने के बाद बाऊ अपने घर आ जाता है, उसका सारा सामान बिखरा हुआ है। फिर से वो अपनी मॉम को कॉल करता है पर फोन कोई आदमी उठाता है और उसकी बातों से उसे पता चलता है कि बाऊ की मॉम का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। बाऊ ये सुन के काफी शॉक हो जाता है, कुछ भी उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो बाथटब में बैठ जाता है पर तभी हम देखते हैं कि उसके घर में एक इंट्रूडर घुस आया था और वो ठीक बाऊ के ऊपर ही था और वो बाऊ के ऊपर ही गिर जाता है। अब बाऊ वैसे ही नंगू पंगू हालत में बाहर भागने लगता है। उसके घर के नीचे खड़ा हुआ एक आदमी बाऊ का पीछा करने लगता है और यहाँ हमें समझ आता है कि सिटी में कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं चलते, पुलिस भी किसी काम की नहीं है। बाऊ भाग के एक पुलिस ऑफिसर की मदद मांगने जाता है पर वो ऑफिसर इसे नंगू पंगू देख के बाऊ की ही तरफ गन पॉइंट कर देता है। अब बाऊ उसे बचने के लिए भागने लगता है लेकिन तभी पीछे से एक फूड ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब बाऊ की आंख खुलती है तो वो एक बच्ची के बेडरूम में था। तभी वहाँ पे ग्रेस और उसके हस्बैंड रॉजर आते हैं और वो बाऊ से पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। असल में जिस ट्रक को बाऊ ने टक्कर मारी थी वो ग्रेस का ही था, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आई थी और उसका हस्बैंड रॉजर एक सर्जन है जिसने बाऊ की ट्रीटमेंट की थी। अब ग्रेस बाऊ को बताती है कि वो पिछले 2 दिन तक बेहोश है लेकिन यहाँ बाऊ को कुछ भी याद नहीं था। तभी रॉजर उसे बताता है कि तुम्हारे सारे ऑर्गन सेफ है इसीलिए तुम चिंता मत करो। खैर इन सारी चीजों के कारण वो काफी डिस्टर्ब था। अब अगले दिन वो सब साथ में खाना खाते हैं। ग्रेस बाऊ को बताती है कि उसका बेटा मिलिट्री में था और वॉर के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। तभी वहाँ पे उनकी छोटी बेटी टोनी आती है। टोनी का बिहेवियर थोड़ा अजीब रहता है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और संडे वाले दिन भी स्कूल जाती थी।
इसके बाद हम जीव्स को देखते हैं, जो उनके घर के साइड में ही वैन में रहता था। ग्रेस बाउ को बताती है कि जीव्स भी उसके बेटे के साथ वॉर में था और वॉर से आने के बाद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए हम ही उसे संभालते हैं। अब इसी दौरान बाओ अपने मॉम के लॉयर को कॉल करता है, तो लॉयर उसे कहता है तुम कहाँ हो, पिछले 3 दिन से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे मॉम का फ्यूनरल भी बाकी है। उनकी आखिरी इच्छा है कि उनका फ्यूनरल बाओ के हाथों से ही हो, इसीलिए तुम्हारा जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना जरूरी है। बाओ ये बात ग्रेस को बताता है, पर रॉजर कहता है कि इस हालत में बाओ प्लेन से नहीं जा सकता, इसीलिए वो अगले दिन सुबह खुद कार से उसे घर पहुँचाने का प्रॉमिस करता है। पर अगली सुबह रॉजर को एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ता है और ग्रेस को भी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए वो बाओ को कहते हैं कि हम तुम्हें कल सुबह छोड़ देंगे। अब बाओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो भी मान जाता है। अब यहाँ बाओ की मॉम एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमन थी, उसके मौत की खबर पूरे न्यूज में होती है और बाओ ये न्यूज पढ़ता है। और बाओ का उसके माँ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, इसीलिए बाओ उनसे दूर इतने गंदी जगह में रहता था। फिर वहाँ पे टोनी आती है और बाओ से कहती है कि रॉजर ने कहा है कि वो बाओ को घर छोड़कर आए, पर टोनी उसे बस परेशान कर रही थी। वो बाओ को बस आसपास के कॉलोनी में घुमाती है और उसे स्मोक का भी जबरदस्ती कर, क्योंकि टोनी बाओ को पसंद नहीं करती थी। उसे लगता है कि बाओ उसके पेरेंट्स के साथ रहकर उसका सारा अटेंशन छीन रहा है। इसी दरमियान बाओ को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे वो यंग था तभी उसे एलिन नाम की एक लड़की पसंद आई थी, एलिन भी उसे पसंद किया करती थी। ये बात जब बाओ के माँ को पता चली थी तब उसने उसे वॉर्न किया था कि उसके साथ इंटीमेट मत होना, क्योंकि उनके फैमिली में एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी कि फर्स्ट टाइम जो भी अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होता था उनकी डेथ हो जाती थी, और इसी तरह बाओ के पिता की भी डेथ हुई थी। खैर वो और एलिन जब एक दिन साथ थे तब एलिन की माँ आकर जबरदस्ती उसे गुस्से से लेकर गई थी और एलिन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए वेट करेगी। फिर स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ बाओ अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था तभी टोनी वहाँ आती है और बाओ को उसके रूम में लेकर जाती है। वो बाओ को पेन पीने के लिए फोर्स करने लगती है लेकिन वो मना करता है, तो वो खुद उस पेन को पी लेती है जिसके कारण उसे काफी प्रॉब्लम आती है। तभी वहाँ ग्रेस आती है और उसे लगता है कि बाओ ने ही टोनी को मार दिया, इसीलिए बाओ वहाँ से भाग जाता है और ग्रेस जीव्स को उसे मारने के लिए उसके पीछे भेज देती है। अब बाओ बार बार रो रहा था कि उसे अपने माँ से मिलने के लिए जाना है बस, और वो भागते हुए जंगल के काफी अंदर पहुंच जाता है। उसे वहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे एक ड्रामा दिखाने लेकर जाते हैं, और बाओ यहाँ खुद को उस ड्रामे में इमेजिन करने लगता है और उसे वो अपनी लाइफ लगने लगती है जिसमें उसके 3 बेटे हैं। अब ये ड्रामा देख ही रहा था तभी वहाँ पे जीव्स आ पहुँचता है। बाओ फिर से वहाँ से भाग जाता है और वो जंगल से बाहर आता है और एक कार वाले से लिफ्ट लेकर घर पहुँच जाता है। अब घर आने के बाद समझ आता है कि उसके मॉम का फ्यूनरल ऑलरेडी हो गया है, वो पूरे घर में अब अकेला था। और तभी वहाँ पर उसके बचपन की लवर एलिन आती है। एलिन उसके मॉम के लिए ही काम करती थी। उसे देखकर वो काफी हैरान होती है और बाओ कहता है कि मैं अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। फिर बाओ उसे अपने मॉम के बेडरूम में लेकर जाता है और दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं। बाओ को हमेशा से ही डर था कि इंटीमेट होने के बाद कहीं उसकी मौत ना हो जाए, लेकिन उसकी जगह एलिन की डेथ हो जाती है। ये देखकर बाओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और तभी वहाँ पे एंट्री होती है उसकी माँ की। उसकी माँ अभी भी जिंदा होती है और ये सब कुछ उसने एक नाटक रचा था ताकि बाओ उससे मिलने के लिए यहाँ आ सके, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि बाओ उनसे कितना प्यार करता है और उसके मरने के बाद वो क्या करेगा। पर यहाँ बाओ तो अपना अलग ही खेल खेल रहा था, लेकिन अब वो बाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो कहती है मैंने वो सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, और इसके बदले में तुमने एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभाया। अब यहाँ पे बाओ को ये सब कुछ अजीब लगने लगता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ उसका काउंसलर डॉक्टर जेरेमी आ जाता है, जो उसके मॉम के साथ मिला हुआ था। उसने सारे काउंसलिंग सेशन की रिकॉर्डिंग उसके मॉम को सेंड कर दी थी, जिसमें बाओ ने उनकी बुराई की थी। बाओ का मानना था कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है और उसे कोई भी चीज खुद से करने नहीं देती। अब यहाँ पे बाओ को बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगती है। पूछता है कि मुझे बस जानना है मेरे पिता कौन थे और उनकी डेथ कैसे हुई। फिर उसकी मॉम उसके घर के एक एंटीक में उसे भेज देती है
वहाँ पे वो देखता है कि उसका ट्विन ब्रदर एक चेन से बंधा हुआ है और उसके डैड एक मॉन्स्टर है। ये देखकर भाव बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे जीव्स भी आ जाता है जो उस मॉन्स्टर को मारने लगता है और वो मॉन्स्टर उसे जान से मार देता है और भाव भाग के वापस नीचे आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी मॉम का ही गला दबाने लगता है पर जल्द ही उसे रियलाइज हो जाता है कि वो गलत कर रहा है। वो अपनी मॉम को छोड़ के वहाँ से चला जाता है लेकिन तभी उसके मॉम की फिसल कर मौत हो जाती है, जिसके बाद वो घर के सामने के तालाब में एक मोटर बोट थी उसमें बैठकर जाने लगता है। तालाब से जाते हुए वो एक गुफा में पहुंच जाता है जहाँ से बाहर आने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम दिखाई देता है जिसमें काफी सारे लोग थे और वहाँ पे उसकी मॉम भी थी। ये एक काउंटडाउन की तरह था जहाँ पे एक लॉयर उसकी मॉम की तरफ से उसका केस लड़ रहा था। वो बाव पर इल्जाम लगाता है कि उसने कभी भी अपनी मॉम की केयर नहीं की और हमेशा उन्हें दुख देता रहा। बाव का लॉयर उसे डिफेंड करता है पर वो भी पानी में डूब कर मारा जाता है। अब बाव बिना कुछ कहे वहाँ पे खड़ा था क्योंकि कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। लेकिन तभी बाव के बोट में आग लगती है और ब्लास्ट हो जाता है और वो भी पानी में डूब जाता है। और यहीं पर मूवी और यहीं पर ये अजीब ट्विस्टेड डिस्टर्बिंग मूवी खत्म हो जाती है। आई नो इस मूवी को लेकर सबको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि इसमें कुछ भी हो रहा है। सो लेट मी क्लियर इट वन बाय वन। सो ये मूवी बाव के मिडल एज मन की एंजाइटी, गिल्ट, फियर और पास्ट लाइफ के ट्रॉमा को डिपिक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू थियरी बाव स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है जहाँ पे पेशेंट रियल लाइफ और इमेजिनरी वर्ल्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। बाव प्रोबेबली एक मेंटल असाइलम में रहता था, इसीलिए वो जिस सिटी में रहता है वहाँ पे सारे पागल लोग थे, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। बचपन में बाव के डैड ने उसे अब्यूज किया होगा और इसीलिए इस मूवी में उन्हें एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया गया है। बाव की बीमारी की वजह से उसकी मॉम उसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखती होगी, इसीलिए उसे लगता था कि मॉम कंट्रोलिंग है। बाव की मॉम उसे काफी ज्यादा प्यार करती थी पर वो इन रिटर्न उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए लास्ट वाला सीन बस उसके इमेजिनेशन है जिसमें वो खुद को गिल्टी मान लेता है। और इस मूवी में हम ये सारे इवेंट्स बाव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हैं, इसीलिए हम भी रियल और इमेजिनरी वर्ल्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और ये सारी चीजें हमें वियर्ड लगती है। सो आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।